बड़ी खबर के साथ, जहां कांग्रेस ने कुछ देर पहले अपनी एक और लिस्ट जारी की है। 12वीं लिस्ट में मध्य प्रदेश के 3 सीटों से 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पार्टी ने किया है। और आपको बता दें, ग्वालियर, मुरैना, खंडवा, ये वो 3 सीटें हैं जहां से पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। ग्वालियर से प्रवीण पाठक को टिकट दिया है तो मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकरवार और खंडवा से नरेंद्र पटेल को चुनावी मैदान में पार्टी ने उतारा है। और अब इस तरह से मध्य प्रदेश के 29 सीटों पर कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में जो 3 सीटें बची थी, उन 3 सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस जिस तरह से कैंपेनिंग कर रही है, प्रदेश के 29 सीटों पर अपने सबसे मजबूत उम्मीदवारों को उतार रही है। लेकिन ग्वालियर को लेकर जरूर खबरें थी, ग्वालियर में कश्मकश की स्थिति भी थी, लेकिन अब इस लिस्ट के बाद ये साफ हो गया है, पार्टी ने यहाँ से अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। प्रवीण पाठक ग्वालियर से चुनाव लड़ेंगे और खंडवा से नरेंद्र पटेल। चलिए रुक